चलिए आज लेक्चर टू डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बेसिकली सीखेंगे कि इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। जितनी भी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको बुक में ऐसा फॉर्मूला दे रखी है कि आप पढ़ कोई चीज, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को जितना सिंप्लीफाइड वे में आपको बताएं उतने आसानी से चीजें आपके दिमाग में बैठ। देखिए बेसिक चीजें तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर साइन एक्स को इसको एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डीएक्स ऑफ एक्स ये वन होता है, डी बाई डीएक्स ऑफ वाई लिखा है कहीं पे तो इसको लिखा जाता है डी वाई बाई डीएक्स। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर डी बाई डीएक्स ऑफ वाई है तो इट बिकम्स डी वाई बाई डीएक्स। आपने कहा अगर ये वाई स्क्वायर है, सपोज करिए अगर क्वेश्चन में दे रखा है वाई स्क्वायर, तो आपने कहा वाई स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमने सोचा था वही काम करेंगे, सबसे पहले इस वाई स्क्वायर को अपने मन में हमने एक्स मान लिया, एक्स स्क्वायर का डिफिनिशिएशन 2x होता है तो वाई स्क्वायर का डिफिनिशिएशन 2y हो गया। 2y होने के बाद आपने कहा फिर जिसको माना उसको किया, तो आपने कहा आपने y को माना था तो y का डिफिनिशिएशन कितना होता बेटा dy by dx। तो इसका ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में x का डिफिनिशिएशन है तो वो 1 हो जाएगा और अगर y का डिफिनिशिएशन है तो वो क्या हो जाएगा बेटा dy by dx। तो आपने कहा अगर y स्क्वायर पे करना हो तो y स्क्वायर का डिफिनिशिएशन 2y dy by dx। चलिए इनवर्स में एक बेसिक स्टार्ट करता उसको अच्छे से देखो क्या है। आपने कहा पहली चीज तो इनवर्स में लिखने का तरीका जो होता है कि अगर साइन थीटा कहीं पे एक्स दे रखा है तो इसका दूसरा मतलब है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। डन। आपने कहा अगर थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिख लिया है तो हमने कहा इसको अगर हम रिवर्स फेस में ले जाएंगे तो ये अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इसको ये लिखा जा सकता है और इसको ये लिखा जा सकता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अपने को आसान लगे वैसा हम लिखेंगे। आपने कहा क्वेश्चन है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, आपने कहा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को अगर डिफरेंशिएट करना है तो आपने कहा देखा ऐसा इनवर्स इनवर्स हमको नहीं आता, सीधा सीधा बताओ कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसा आपने सिखाया वैसे कैसे किया जाएगा। तो हमने कहा सबसे पहला काम इस साइन से का भाई आप वापस आ जाइए, जैसे ही ये वापस आ गया तो इट बिकम साइन वाई इक्वल टू एक्स। आपने कहा अब बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन देखने में, अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपने कहा साइन वाई इक्वल टू एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस वाई, आपने कहा वाई का डिफरेंशिएशन तो आपने कहा डी बाई डी एक्स हो गया और आपने कहा यहाँ पर एक्स आ रहा है और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा वन, यानी साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, यानी यहाँ पर डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा वन अपॉन कॉस वाई। अब आपने कहा जो क्वेश्चन था वो हमारा एक्स के टर्म्स में था मगर जो आंसर आ रहा है वो वाई के टर्म्स में आ रहा है, तो आपने कहा इसके लिए क्या किया जाए। तो आपने कहा वापस आइए जरा, व्हेन यू आर सेइंग साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, जब आपने बोला साइन वाई इज इक्वल टू एक्स तो हमने क्या किया इस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स का ट्रायंगल बना लिया ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन हो जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन में हमारा परपेंडिकुलर है वो एक्स हो गया और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हमारा वन हो गया। तो आपने बोला परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेन्यूज वन, यानी आपने कहा कि परपेंडिकुलर एक्स हो गया हाइपोटेन्यूज वन हो गया तो बेस हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने कहा बेस हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अगर कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, कॉस वाई की वैल्यू निकल के आ गई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू हमने उठाकर यहाँ पे रख दी। तो नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस का, सिमिलरली टेन का, सिमिलरली सेक का, सिमिलरली कॉसिक का, जिसका चाहे आप उसका निकाल के निकाल सकते हैं। डन। मतलब इनवर्स की स्टार्टिंग क्लियर हुई बेटा, इनवर्स में सोचना कैसे है, ठीक है। तो जैसे हमने साइन का बताया है सिमिलर वे में आपको कॉस का ट्राई करना है, हम आपको टेन का करके दिखा रहे हैं टेन का कैसे किया जाएगा। ओके आगे बढ़ा जाए। चलिए जैसे बेटा tan इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने कहा अगेन से जैसे हमने स्टार्ट किया था बेटा y is equal to tan इनवर्स x माना, डिस्टेंस से का y का वापस आ जाओ तो इट बिकम्स tan y is equal to x। आपने कहा अब ठीक अच्छा लग रहा है देखने में, तो tan x का करेंगे तो sec square x होता है, तो tan y का sec square y और y का dy by dx, तो x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा 1, तो आपने बोला sec square y dy by dx इट शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ से डी बाई की वैल्यू आ गई 1 अपॉन sec स्क्वायर y, डी बाई की वैल्यू आ गई 1 अपॉन sec स्क्वायर y, तो आपने कहा sec स्क्वायर y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आए, आपने कहा हमने कहा था tan y इक्वल टू x, ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में tan y इक्वल टू x के हिसाब से हमने कहा कि यहाँ पर ये हो गया x और ये हो गया 1, क्योंकि tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x हो गया और बेस कुछ नहीं था तो कितना हो गया बेटा 1, तो यहां से आपने कहा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली तो ये निकल के आ गई अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। आपने कहा इस ट्रायंगल से sec y की वैल्यू निकाली तो sec का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1, यहां से sec स्क्वायर y हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1,
ये वैल्यू बेटा हमने यहाँ पे रख दी, तो हमारा आंसर आ गया 1/(x+1)। मतलब dy by dx of tan inverse x2 आएगा, वो निकल के आ जाएगा 1/(1+x2)। एक जिस तरह से tan का होता है बिल्कुल सेम तरीके से cot का है, जो कि आपको निकालना है। हम आंसर आपको बता दे रहे हैं cot का आंसर क्या है, बट निकाल के आप दिखाइएगा कैसे इसको करते हैं। आइए सेकंड पार्ट, आपने कहा अगर y इक्वल टू सेकंड वर्स x को डिफरेंशिएट करना है, तो आपने कहा अगेन सेम थिंग, sec y इक्वल टू x, sec y इक्वल टू x में आपने डिफरेंशिएट किया, तो sec y का sec y इनटू tan y, और y का बेटा dy by dx, और x का डिफरेंशिएशन 1। यहां से dy by dx की वैल्यू निकल के आ गई 1/sec y इनटू tan y, 1/sec y इनटू tan y में आपने कहा ट्रायंगल वापस गए, sec y इक्वल टू x में sec का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस में हाइपोटेन्यूज x हो गया, बेस 1 हो गया, तो परपेंडिकुलर आ गया अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। यहां से बेटा sec y की वैल्यू x चली गई, स्ट्रेंथ से tan y की वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 1, दोनों को उठा के हमने यहां पे रख दिया, तो dy dx की वैल्यू आ गई 1/(x) अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और मैम बच्चे तो ये चीज अच्छा बुक्स में कहीं कहीं इसको मॉड फॉर्म में डिफाइन कर दिया जाता है, उसके लिए कंडीशन ये होती है कि sec inverse की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, उसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है। तो जब हम इनवर्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे, तो इस मॉड का भी लॉजिक समझाएंगे वहां पर कि ये कैसे आता है। फिलहाल के लिए आप इसका डायरेक्ट यूज कर लीजिए, 1/(x)/(x)√(x)2-1। चलो बेटा इनवर्स में पहले तो बेटा देखो फॉर्मूला डेफिनेशन के होते हैं, कुछ फॉर्मूले सीख लो कैसे बनते हैं। बेसिकली वो फॉर्मूले जो हमें बार बार यूज करते हैं, हम तुमको उसका डेरिवेशन समझा दे रहे हैं। इस बेसिस पे तुम इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ऐसे आप देखोगे तो 30-35 फॉर्मूले और हड्डी चला से अगर रटो 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 तो कहां तक आप रटोगे, एक बार दिमाग में बैठाओ कैसे चीजों को सोचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस में हम जानते हैं tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b / 1 - tan a tan b। आपने कहा ये ट्रिग्नोमेट्रिक लेवल के बेसिस पे हम फॉर्मूला जानते हैं। अब आपने कहा हमको इसको इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इनवर्स कैसे कन्वर्ट करें, तो हमें बोला tan a को मान लो x, tan b को मान लो y। tan a x होने का मतलब है a की वैल्यू tan inverse x और b की वैल्यू tan inverse y। आपने कहा वापस क्वेश्चन में आइए, tan a x, tan b y, x plus y upon 1 minus x into y, या ये बेटा इस tan से कहा उधर जाओ, उधर गया तो ये क्या बन गया बेटा tan inverse, यहाँ पे क्या है बेटा a plus b, a को देखा तो a की वैल्यू कितनी tan inverse है, b को देखा b की वैल्यू कितनी tan inverse y, a और b दोनों की वैल्यू यहाँ पे रहती है, तो जो हमारा फॉर्मूला बन गया tan inverse x plus tan inverse y, ये हो गया tan inverse x plus y upon 1 minus x y। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला ऐसे या इसका रिवर्स दोनों का ही यूज सबको करता है, ठीक है ना। इस बात को बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, रिवर्स फेज में भी अगर होगा तब भी हम इसका यूज करेंगे। सपोज करो इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस होता है, तो आपने कहा माइनस होता तो क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता, बाकी पूरा प्रोसीजर ऐसे ही रहता, तो जो फॉर्मूला बनता वही आ जाता tan inverse x minus tan inverse y that is tan inverse x minus y upon 1 plus x। अगर प्लस है तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस वाला। इसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, आपने कहा इसी का अगर एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो अगर कहीं पे लिखना है tan inverse 1 minus tan x upon 1 plus tan x, तो क्वेश्चन के हिसाब से 1 हमारे लिए x का काम करेगा और tan x हमारे लिए y का काम करेगा, और क्योंकि बीच में माइनस है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इस हिसाब से हमारा 1 हो गया x के प्लेस पे और tan x हो गया y के प्लेस पे, तो आपने कहा ये बन गया tan inverse of 1 minus tan inverse of tan x। अच्छा ऊपर अब कुछ चीजें हमने डिफाइन कर रखी है, जैसे हमने बोला है sin inverse of sin x is equal to x, cos inverse of cos x is equal to x, tan inverse of tan x is equal to x। तो आप इसको बेसिकली ऐसे याद रखिए सिंपल वर्ड्स में कि सेम और सेम अगर यहां पर वैल्यू रहती है तो ये कट के x आ जाता है, बट इसकी एक फाउंडेशन होती है कि ये कंडीशन वैलिड होती है, ये कंडीशन वैलिड होती है डोमेन के अंदर, मतलब अगर सिर्फ डोमेन में है कंडीशन तब तो ये वैलिड है, अदरवाइज ये कंडीशन चेंज हो जाती है। तो फिलहाल स्टार्टिंग फेज में आप ये मान के चलिए कि हमने जो केस लिया है वो डोमेन है। वैसे आपको बता दें कि साइन इनवर्स साइन एक्स साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में जो एक्स की वैल्यू होती है दैट इज -π/2 से π/2। जिन लोगों ने इनवर्स वाली क्लास की है उनको मालूम है कि ये चीज कहां से आती है और कैसे आती है।
सिमिलरली कॉस के लिए 0 से पाई और टेन के लिए -π/2 से पाई। तो इसका ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी है तो आप डोमेन में लेके ही चलते हैं, और अगर कंडीशन दी है तो उसका यूज कैसे करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इस सिस्टम आपको यूज सिखाएंगे कैसे इसका यूज करना है, कहाँ पर डोमेन का यूज है, कहाँ पर डोमेन का यूज नहीं है। प्रत्येक पर देख सकते हैं tan इनवर्स 1 - tan x / 1 - tan x। वन क्वेश्चन में x की तरह काम करेगा, वाई जो है वो tan x की तरह काम करेगा। इस बेसिस पे इस फॉर्मुले में जब इसको हमने डाला तो ये बन गया tan इनवर्स 1 - tan x / tan x। जैसा कि ऊपर हमने बताया tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू x होती है, तो इसको हटाकर हमने x लिख दिया, तो ये क्वेश्चन हमारा ये। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम आपसे कहें हमें dy/dx डिफरेंशिएट करना है, तो आपने कहा यहां पर कोई x है नहीं, कोई x नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां पर x है तो ये -1, यानी कुल मिलाकर जो इसका डिफरेंशिएशन आ गया दैट बिकम्स -1। इसके क्वेश्चन बेसिकली ऐसे ही है, आपको बस सर्च करना है कि कहां पे कौन सा फार्मूला यूज करना है। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने आपको बोला tan इनवर्स ऑफ tan x x होता है या sin इनवर्स ऑफ sin x x होता है, तो इसको दिमाग में रखिएगा कि जब भी कभी इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको सेटिंग कुछ ऐसी ही अरेंज करनी है जिसके बेसिस पे वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज होगा, इसके लिए हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है फॉर्मूलों की, जहां पर जिस फॉर्मूले का यूज हो उस तरह से हम यूज करके अपना आंसर पढ़ा जाएगा। बेटा यहां तक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज कर लिए sin इनवर्स x स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो पुराना रूल यूज करते हुए नए फॉर्मूलों का भी इंप्लीमेंटेशन देते हुए दोनों का यूज करते हुए क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। sin इनवर्स x स्क्वायर आपने कहा, हमने आज सीखा sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x। जब 1/√1 - x² इसका फॉर्मूला होता है, तो इस बेसिस पे x स्क्वायर को अपने मन में हमने x मान लिया। जब x स्क्वायर को अपने मन में x मान लिया, तो sin इनवर्स x के फॉर्मूले के हिसाब से 1/√1 - x² में 1/√1 - x^4 हो गया इनटू dy/dx ऑफ x स्क्वायर। आपने कहा क्यों, आपने कहा ये x था नहीं, हमने इसको माना था, तो जिसको माना उसका किया। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 2x, तो फाइनल आंसर 2x/√1 - x^4। डन, और मैं आपको अच्छा चीज आई, जैसा कि अभी हमने सीखा अगर बाहर tan इनवर्स लगा है और अंदर tan बन सकता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्रोसीड करने की। वैसे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, बट बहुत लेंथी हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड में सबसे सिंपल मेथड, हमने इस कॉट को लिख दिया tan 90 - थीटा या tan π/2 - x। tan इनवर्स tan खत्म, अंदर क्या आ गया बेटा π/2 - x। π/2 - x को डिफरेंशिएट करेंगे तो π/2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, x का 1, यानी कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया बेटा -1। इजी, tan इनवर्स cot x, cot को हमने लिखा tan 90 - x, tan 10 फिनिश, π/2 - x को डिफरेंशिएट करेंगे, π/2 का 0, कांस्टेंट x का 1। इसका ध्यान रखना, ये ना हो पता चले आप tan और tan को काट दें, खुशी के मारे ये भूल ही जाएं कि इसको डिफरेंशिएट भी करना था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, इसको डिफरेंशिएट नहीं करते और आंसर यही छोड़ के चले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो आप ये मान के चले कि ये ऑप्शन दिया ही होगा, पहला ऑप्शन होगा, सीधे आंसर बन कर टिक मार दोगे कि यही वाला आंसर है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो इसका dy/dx आएगा उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। आपको पीडीएफ में दे रखे हैं और डायरेक्टली वहां से यूज करके अपने आंसर्स को निकालने की कोशिश करिएगा। एक कॉस से कॉस कटा, टू से टू कटा, तो ये बन गया tan x/2। 10 और 10 आपस में कैंसिल आउट, अंदर क्या बचा बेटा x/2। अब डिफरेंशिएशन की बारी, ध्यान रखिएगा खुशी के मारे भूल मत जाइएगा, x/2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 निकल के बाहर, अंदर बचा x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो कुल का आंसर कितना बेटा 1/2। तो इस तरीके से हम अपने इनवर्स के क्वेश्चन को सिंपल फॉर्मूले का यूज करते हुए डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इनवर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट सिर्फ आखिरी स्टेप पे है, बाकी पूरी सॉल्विंग है। जिन लोगों ने इनवर्स पढ़ा है उनके लिए काफी आसान है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब आगे आएगा तो हम इनवर्स भी आपको दोबारा पढ़ा के समझा देंगे चीजें कैसे यूज करनी। डन, नहीं होगा क्वेश्चन की बात करते हैं। y = tan inverse 2x / 1 - x², जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया, बाहर tan इनवर्स लगाया तो अंदर किसी तरह से भी अगर हम tan बना लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक सब्स्टिट्यूशन खेला है यहाँ पर,
x इक्वल टू 20। अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन आपको कैसे समझ में आएगा, या आपने कहा हमको कैसे पता लगेगा कि यही काम करना है, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए बेटा। जैसे सपोज करो अगर यहां पे आप x को tan थीटा रखते हो तो 2 tan थीटा / 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। जैसे ही आप ये काम करोगे तो tan tan फिनिश। आपने कहा जैसे हमने ये काम किया देखिए ठीक है फॉर्मूला, तो क्वेश्चन बिकम्स 2 थीटा, क्वेश्चन बिकम 2 थीटा हो गया, तो आपने कहा tan थीटा को x पाना था तो थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x, तो यहां पे बेटा वापस कर दी। और आज हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि d / dx ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू होती है 1/1 + x स्क्वायर, 2 बाहर 1/1 + x स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर 2/1 + x स्क्वायर। तो दिमाग में बिल्कुल एक चीज बैठा लीजिए, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना है, अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ट्रिक यूज करिए और आंसर निकालिए। इधर आइए, एक चीज बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जितने भी tan के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी tan के फॉर्मूले होते हैं, जितने भी आपने tan के फॉर्मूले पढ़े हैं, उन सब में एक खास बात होती है कि यहां पर x 1 आता है, तो आपको इसको दिमाग में रखना है कि यहां पर 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो बनाओ कैसे भी करके, मगर ये आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया बेटा tan इनवर्स a cos x - b sin x / b cos x + a sin x, यहां पर b cos x था, आपने कहा नहीं 1 होना चाहिए, तो हमने क्या किया बेटा इसके लिए b cos x से ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में b cos x से डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने ये काम किया ये फॉर्मूला बना, और आपने कहा अरे अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारे लिए, ये तो वही फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x - y / 1 + xy जो आज हमने सीखा था, दैट इज tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, इट इज tan इनवर्स x - y / 1 + xy। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको तोड़कर हमने ऐसे लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ tan x x होता है, tan इनवर्स ऑफ a / b कांस्टेंट है, जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा बेटा, और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी कुल मिलाकर d / dx की वैल्यू कितनी बेटा -1। दिमाग में सिर्फ ये रखना है यहां पर 1 होना चाहिए, जैसे ही आप सोचोगे फॉर्मूला अपने आप सेट हो जाएगा। यहां पर जैसे ही आपने किया आपने कहा ये फॉर्मेट बन गया हमारे फॉर्मूले का, और फॉर्मूले पर डिफरेंशिएट मान लो आंसर कितना निकल के आ गया बेटा -1। इधर आइए बेटा, आपने कहा जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है ये बना बनाया फॉर्मूला है tan इनवर्स x + y / 1 - x * y, आपने कहा इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो ये बन जाएगा tan इनवर्स a + tan इनवर्स x की पावर n, tan इनवर्स a कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x है ही, tan इनवर्स x की पावर n में आपने कहा अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए x की पावर n को अपने मन में x माना, और जब इसको x माना तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² जिसको माना उसका किया, तो इसको सिंपलीफाई किया बेटा x की पावर 2 आ गया, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx की पावर n - 1, तो जो फाइनल आंसर है nx की पावर n - 1 / 1 + x की पावर, क्लियर? और मैं बेटा अच्छे से ये चीज, तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जितनी चीज आपको पढ़ा दी बेटा उसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम सेट 2 है जो हमने आपको प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पे आप 13 क्वेश्चन तक ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13 तक, इनवर्स के जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 तक है। तो ये लेक्चर 2 आज हम लोग यही रोकते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पहले इनवर्स के और जो प्रॉब्लम सेट 1 है इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो जितना भी सेक्शन आपको बताया है पहले आप पीडीएफ से अच्छी बार एक बार देख लीजिएगा, तब आप क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और इनकेस कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या अपने ग्रुप में आप इसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाए। मेरे ख्याल से बाकी लोगों ने भी क्वेश्चन करके डिस्कस कर भी लिए हैं, तो जिन लोगों ने नहीं किए हैं पहले वो भी कर लीजिए, तो सब लोग जब बराबर हो जाएंगे तब हम जून से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? जून से हम लोग लाइव क्लासेज स्टार्ट करेंगे, बट ये है कि पहले जिन लोगों का हो चुका है पहले वो लोग सब बराबर हो जाए, जल्दी हम लोग जूम ऐप पे भी मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।